अस्सलाम वालेकुम। डिब्रिडमेंट एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें जिस्म पर लगे ज़ख़म को ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसीजर में ज़ख़म वाली जगह से डेड या इन्फेक्टेड स्किन सेल्स और डेब्रिस वगैरह को रिमूव किया जाता है। डिब्रिडमेंट प्रोसीजर ज़्यादातर ऐसे ज़ख़मों के लिए परफॉर्म किया जाता है जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हों या फिर उनमें इन्फेक्शन फैल रहा हो। इसी तरह ये प्रोसीजर डायबिटिक फुट अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। डायबिटिक फुट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ पेशेंट के पाँव में मौजूद नर्व्स और आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं और पाँव नंब यानी कि सुन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट के पेशेंट्स को इंजरी लगने पर दर्द महसूस नहीं हो पाता और ज़ख़म ख़राब होता जाता है। यही वजह है कि डायबिटिक फुट को टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए डिब्रिडमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि डिब्रिडमेंट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। डिब्रिडमेंट प्रोसीजर ज़्यादातर सर्जिकली परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ज़ख़म को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट यानी कि साफ़ किया जाता है और फिर टॉप स्किन लेयर और इन्फेक्टेड स्किन टिश्यूज़ को सर्जिकल नाइफ के थ्रू रिमूव करके ज़ख़म वाली जगह को वॉश कर दिया जाता है। सर्जरी के अलावा ऑटोलेटिक, मैकेनिकल, इंजाइमेटिक और बायोलॉजिकल यानी कि मैगेट थेरापी के थ्रू भी डिब्रिडमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो आइए अब इन प्रोसीजर्स को वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ऑटोलेटिक डिब्रिडमेंट में ज़ख़म वाली जगह पर मॉइस्चराइज़र्स जैसा कि ट्रांसपेरेंट फिल्म्स, हाइड्रोकोलॉइड्स या हाइड्रोजेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़ख़म को नरम कर देते हैं, जिससे हमारे इम्यून सेल्स और इंजाइम्स बआसानी इसे ट्रीट कर सकते हैं। इंजाइमेटिक डिब्रिडमेंट, इस प्रोसीजर में केमिकल ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें बैक्टीरिया, एनिमल्स या प्लांट से निकाले हुए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो ज़ख़म को मॉइस्चराइज यानी कि नरम कर देते हैं, जिससे हेल्दी टिश्यूज़ की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। ये प्रोसीजर वाउंड ब्लीडिंग वगैरह के लिए अच्छा होता है। मैकेनिकल डिब्रिडमेंट, मैकेनिकल डिब्रिडमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिब्रिडमेंट प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में प्रेशर के थ्रू ज़ख़म को ट्रीट किया जाता है। ये प्रोसीजर तीन मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है, जिनमें हाइड्रोथेरापी, वेट टू ड्राई ड्रेसिंग और मोनोफिलामेंट डिब्रिडमेंट पैड्स शामिल हैं। हाइड्रोथेरापी में ज़ख़म पर फास्ट रनिंग वाटर जैसा कि शोवर वाटर वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, जबकि वेट टू ड्राई ड्रेसिंग में ज़ख़म पर वेट गौज यानी कि गीली पट्टी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह मोनोफिलामेंट डिब्रिडमेंट पैड्स में ज़ख़म पर सॉफ्ट पॉलिएस्टर पैड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोलॉजिकल डिब्रिडमेंट, इस प्रोसीजर में ल्यूसीलिया सिरिकोटा स्पीशी के लार्वा यानी कि मैगेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस वजह से इसे लार्वल या मैगेट डिब्रिडमेंट थेरापी भी कहते हैं। मैगेट्स में ये खसूसियात होती हैं कि वो ओल्ड टिश्यूज़ और हार्मफुल बैक्टीरिया पर फीड करते हैं, जबकि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं। यही वजह है कि ये प्रोसीजर भी इन्फेक्टेड बोन की ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ डिब्रिडमेंट, डिब्रिडमेंट प्रोसीजर ज़ख़म को इन्फेक्शन और ख़राब होने से बचाता है और हेल्दी टिश्यू की ग्रोथ को प्रमोट करता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।